बासौदा नाका चौराहे पर अचानक रुका ऊर्जा मंत्री का काफिला लटकी केबल को छूकर मंत्री ने एई को लगाई फटकार, पूछा ये क्या है। सिरौंज भोपाल मार्ग से सिरौंज होते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अशोकनगर जा रहे थे। सिरौंज शहर के भीतर जब वो बासौदा नाका चौराहे पर नहर के पास पहुंचे तो उनका काफिला अचानक रुक गया। अपनी गाड़ी से उतरे और नहर के पास ही करीब 100 मीटर दूरी नीचे लटक रही बिजली की केबल को देखने लगे। वो मौके पर पहुंचे और साथ में मौजूद स्टाफ से सिरौंज एई कंपनी के अफसर को मौके पर बुलाने को कहा। करीब 15 मिनट बाद कंपनी के एई राजू भागोरे वहां पहुंचे। मंत्री ने लटक रहे केबल को अपने हाथों से छुआ और तेजी से पूछा, ये क्या है, आप क्या कर रहे हैं, सब दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा कि यदि आपका इंस्ट्रूमेंट रोक दिया जाए तो कैसा रहेगा। एई ने कहा कि हम अभी सुधार करवा रहे हैं। मंत्री बोले, मैं दोबारा सिरौन से निकलूंगा और ऐसी हालत मिली तो एक्शन आपके खिलाफ ही लूंगा। मंत्री की फटकार के बाद बिजली कंपनी का अमला तुरंत सक्रिय हो गया। उन्होंने मौके पर ही खड़े होकर नया पुल मंगवाया। अमले ने नया पुल यहां पर लगाया था। तो 900 का तो खैर पूरे घर का होगा जी। और बिजली कैसी आती है? कितना आ रहा है पिछले 2 महीने से? 100 रुपये बिल जन रुपये का आ रहा था। अभी 2 महीने तो 2 महीने बाद कलम से 1000 रुपये डायरेक्ट आया। घरेलू लाइट घर में और घर पर कुछ नहीं जलाता मैं। फिर चार दिए भी जलती है ऊपर से आ रहे हैं। लाइट में एकदम ठीक है। मैं दोबारा सुरु से निकलूंगा, ऐसी हालत देखूंगा तो एक्शन आपके खिलाफ हो। खबर भारतवर्ष के लिए सिरौंज विदिशा से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।